दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी, आप देख रहे हैं डॉक्टर आलोक बेट क्लब। पशु में प्रायः किलनी, जू, चीचड़, टिक्स का इन्फेस्टेशन पाया जाता है। खास करके गायों में HF क्रॉस ब्रेड गायों में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी इन्फेस्टेशन होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरह से इन्फेस्टेशन से पशुओं में कमजोरी आ जाती है, एनीमिया की कंडीशन बनती है, वेक्टर बार्न डिजीज, फिलेरिया, सर्रा, बवेसिया, इस तरह की कई बीमारियां हैं वो फैलने का चांस रहता है। तो पशुपालक भाइयों, अपने पशु को जू, चीचड़, किलनी से बचाएं और पशु को स्वस्थ रखें। अच्छा दूध आएगा, अच्छा ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन अच्छा होगा। तो इसके लिए आप लगाने वाली दवाएँ आती हैं, दवा लगा सकते हैं। साइपरमेथ्रिन का घोल आता है, उसको लगा के छोड़ दें, धूप में पशु ना जाने दें। अमितराज का विराटराज के नाम से आता है, उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा पुरान प्रिपरेशन आता है फ्लूपोर, जो कि गर्दन से और रीढ़ की हड्डी पे 10 ml पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाया जाता है। तो एक पशु के लिए 40 से 50 ml पर्याप्त होता है। सोप आता है, साबुन आता है, उसको लगा सकते हैं आप। पेल्टाक्स के नाम से आता है, रिमूवर के नाम से आता है, कई अन्य आते हैं, किसी भी सोप को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंजेक्शंस, जो कि सबसे अच्छे कारगर साबित होते हैं, जो कि प्रेगनेंसी भी सेफ होते हैं, तो उसमें आइवरमेक्टिन, लॉन्ग एक्टिंग और प्लेन आइवरमेक्टिन आता है, सबकट लगता है, 1 ml 50 kg बॉडी वेट के लिए पर्याप्त होता है। और इसके साथ ही बोलस भी आते हैं आइवरमेक्टिन को, आप बोलस भी खिला सकते हैं।